इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है। विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेंद्र सिंह गुरुवार को पहुंचे डेघारी गांव। लघु उद्योग निर्मित पुष्टाहार को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों तक। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज विकासखंड क्षेत्र निगोहा के डेघारी गांव में प्लांट का जायजा लेने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सचिव शैलेंद्र सिंह गुरुवार के दिन नगराम के डेघारी गांव पहुंचे, जहां पर संचालित लघु उद्योग निर्माण इकाई द्वारा गर्भवती धात्री महिलाओं एवं बच्चों के लिए पुष्टाहार निर्माण के विषय में जानकारी हासिल की। बता दें कि प्लांट पर समूह की 20 महिलाएं काम करती हैं, जिन्हें 8,000 रुपए महीने के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाता है। प्लांट में आटा, बेसन, दलिया, मूंग दाल, खिचड़ी और स्पाइस मिक्स पाउडर का निर्माण किया जाता है। निर्मित सामग्री आंगनबाड़ी केंद्रों पर भेजा जाता है। सचिव के साथ मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ रिया केजरीवाल, जिला विकास अधिकारी अजीत कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी मोहनलालगंज पूजा सिंह समेत समूह की महिलाएं, ग्राम प्रधान श्रीमती दीपिका, ग्राम पंचायत सचिव, प्रधान प्रतिनिधि ज्ञान सिंह उपस्थित रहे। भारत टीवी से चांद मोहम्मद की रिपोर्ट। बहुत खुशी है क्योंकि हम लोगों को घर बैठे एक रोजगार मिल गया, हमें कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ा और जो है जो भी हमें पेमेंट मिलेगा उससे हम लोग बहुत खुश हुए। मतलब खुश हैं आप लोग कि जो महिलाओं के लिए एक सरकार रोजगार जो है तरीके से जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको भी रोजगार आगे चल के मिलेगा। जैसे जैसे जगह अगर होगी जो भी जरूरत है महिलाओं के लिए, हम तो यही चाहते हैं कि सब सारी महिलाएं ही अपना रोजगार करें, जैसे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह। आप मैडम बताइए कि जो है महिलाओं के लिए जो रोजगार यहाँ पर मिला है 20 महिलाओं को, तो उसके लिए महिलाओं में क्या है, मुस्कान है कुछ? मुस्कान तो है, आप देख सकते हैं। हमारा कहते हैं यहाँ पे जाके भवन में आप लोग आए हैं, ये पुष्टाहार निर्माण इकाई है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में लाभार्थियों को जो बेसन और पंजीरी दी जाती थी वो किसी प्राइवेट संस्था द्वारा प्रोवाइड करी जाती थी, दी जाती थी, जो नोएडा की कंपनी थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि अब इस प्रणाली को जो है प्राइवेट कंपनी के हाथों से लेके ये सारा काम जो है हमारे प्रदेश की 43 जनपदों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। तो उन्हीं 43 जनपदों में से लखनऊ एक जनपद है जहाँ पे अब जो है 8 विकास खंडों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें राशन वितरण होगा, जो पंजीरी और क्या कहते हैं आटा, बेसन, हलवा, ये सबका वितरण जो होगा वो हमारे समूह की महिलाएं वही निर्माण करेंगी और वही उसको सप्लाई करेंगी। यहाँ पर पुष्टाहार में क्या जो होगा, ये जो मशीनें लगी जी जी जी, इसमें किन किन ब्लॉकों में दिया जाएगा? देखिए हमारे यहाँ कुल जो है क्या कहते हैं पुष्टाहार निर्माण इकाई 3 विकास खंडों में लगेगी। पहला है मोहनलालगंज की पुष्टाहार इकाई मोहनलालगंज के आंगनबाड़ी केंद्र और सरोजी नगर के आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करेगा, ठीक है। दूसरी हमारी इकाई जो है अभी शुरू होने जा रही है वो है बख्शी का तालाब में। बख्शी का तालाब की जो इकाई है वो बख्शी का तालाब के आंगनबाड़ी केंद्र, माल ब्लॉक के आंगनबाड़ी केंद्र और मलियाबाद के आंगनबाड़ी केंद्र, उन 3 जगह सप्लाई करेगा। आज यहाँ पर जो है कौन कौन अधिकारी मौजूद? आज हमारे जो है क्या कहते हैं भारत सरकार से जो है क्या कहते हैं आदरणीय सेक्रेटरी सर आए थे। इसके अलावा जो है हमारे कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट आदरणीय प्रियदर्शी सर आए थे। हमारी एमडी मैडम, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका की एमडी मैडम सी इंदुमती जी आई थी इस, और जो है हमारी मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय रिया केजरीवाल जी आई थी, मौके पर मौजूद थी। उन्होंने जो है इस पूरे दौरे का जो है ये तात्पर्य था कि वो जानना चाहते, भारत सरकार से जो है जानना चाहते थे कि पुष्टाहार इकाई आखिर महिलाएं कैसे चला रही हैं, उनको क्या फायदा उससे हो रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी वो लेने आए थे। महिलाओं के रोजगार के लिए क्या और बढ़ोतरी के लिए उन्होंने कुछ कहा? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जैसे अभी जो हमारी महिलाएं पुष्टाहार इकाई में काम कर रही हैं, शुरुआत का इनको जो है 8,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जैसे जैसे हमारा पुष्टाहार इकाई जो है और काम बढ़ाती चली जाएगी, वैसे वैसे जो है जब इनका मुनाफा होगा तो इनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी और इन्होंने जो अंशदान किया है, जिन समूहों ने हमारे अंशदान किया है उनको भी जो प्रॉफिट का एक हिस्सा है उसमें उनको मिलेगा। यहाँ पर कितनी महिलाएं हैं जिनको रोजगार मिला है? यहाँ पे हमारे समूह की 20 महिलाएं हैं जो रोजगार करेंगी। पुष्टाहार निर्माण इकाई हमारी 2 शिफ्टों में चलाएंगी, 10 महिलाएं सुबह चलाएंगी, 10 महिलाएं रात में चलाएंगी। इन महिलाओं के अलावा, ये तो हमारी डायरेक्टली पुष्टाहार से अटैच्ड हैं, इनके साथ जैसे क्या कहते हैं हमारे समूह की एक दीदी हैं, उनके पति हैं, पति को जो है